हिटमैन रोहित शर्मा को जिसने क्रिकेट की ABCD सिखाए, वो गुरु दिनेश लाड आज हमारे साथ है। लाड साहब, बड़ा दिन है, न सिर्फ आपके लिए, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए। इस जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया क्या है, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बात करूँगा, लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बन गया ऐसे लग रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रोहित ने परफॉर्म किया, जिस बच्चे को मैंने 12 साल के जब भी देखा था, आज उसने उसके हाथ में वर्ल्ड कप देख रहा हूँ तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। बिल्कुल, जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, 12 साल में एक गरीब बैकग्राउंड का बच्चा आपके पास आता जो ऑफ स्पिन करना चाहता, लेकिन उनके रियल टैलेंट को आपने पहचाना, बॉलिंग से बैटिंग में शिफ्ट किया, 12 साल से लेके आज का ये जो दिन है, इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए। जब मैंने उसको एज एन ऑफ स्पिनर करके स्कूल में लाया था, उसके बाद मैंने उसको फिर बैटिंग करते हुए देखा तो बैटिंग में प्रमोट करना चालू किया। देखिए, टैलेंट उसके पास था, ये टैलेंट था, इसके लिए आज रोहित शर्मा आपको दिखा रहे थे। उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया और बहुत खुशी होती कि जब मुझे पता है कि 2011 के वर्ल्ड कप में वो टीम में नहीं था, तो मैंने उसको समझाया था कि देख रोहित, तू अगर क्रिकेट को टाइम नहीं देगा तो तुझे सब भूल जाएंगे। तो उसने प्रॉमिस किया था, सर अभी आज के बाद आपको कहीं शिकायत नहीं आएगी, और उसने जो टाइम दिया, तो 2011 के बाद का जो उसका रेशियो बढ़ते गया, वो आज तक बढ़ते गया। और आज उस कल उसके हाथ में जब मैंने वर्ल्ड कप का ट्रॉफी देखा तो खुशी से समा नहीं पाया मेरी, बहुत ही खुश था मैं। उनकी पूरी जर्नी जो है काफ़ी इमोशनल रही, कई सारे इमोशनल आउटब्रेक से वो कई बार गुजरे हैं। फील्ड पे हमने उनको देखा है कि किस तरह से जो है वो कई बार इमोशनल हो जाते हैं, और कल जब उनका मैच भी था तब भी हम उनको देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे वो। उन्होंने मातृ वहाँ पे जो भूमि थी उसे टच किया, मिट्टी जो है उसे अपने मुंह में रखा, और एक तरह से आशीर्वाद ले रहे थे उस पिच का, जिस पिच पर उन्होंने इतने वर्षों तक मेहनत की, जिस दिन का सपना देखा वो दिन पूरा हुआ। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आज क्रिकेट की वजह से रोहित को सब जानते हैं। आज क्रिकेट नहीं होता, रोहित को कोई जानता नहीं था, क्योंकि आपने जैसे कहा कि गरीब घर का लड़का, रोहित ने एक प्रूव करके बताया कि गरीब घर का लड़का नहीं होता, आपके पास अगर टैलेंट हो तो आज किस मुकाम पे पहुंच सकते हो। एक बड़ा उदाहरण रोहित का है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की उसके पीछे, सिर्फ टैलेंट होके फायदा नहीं, लेकिन आपके पास आपको हुनर होनी चाहिए, आपको आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करनी चाहिए, और उसने प्रूव करके बताया कि आज मेहनत करके आज मैं किस मुकाम पे पहुंचा हूँ। इस वर्ल्ड कप में जाने के पहले आपकी क्या बातचीत हुई थी, क्या आशीर्वाद या क्या सजेशन मैसेज आपने उनको दिया? मैसेज वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, हर वक्त जब जब जाता है तब अच्छा करते रहो, देश का नाम रोशन करो, ये मैं उनसे बोलते रहूँ। लीडरशिप स्किल्स कैसे इम्प्रूव हुई इस बारे में बताइए, क्योंकि वो एक जो है टैलेंट हम IPL में देखा करते थे, लेकिन IPL और जब टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वहाँ बहुत बड़ा मुकाम होता है। लीडरशिप तो शुरू से उसकी वैसे ही थी, मुझे तो कुछ उसमें अलग नहीं लग रहा है कि उसका जो लीडरशिप करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, क्योंकि हर प्लेयर को वो ठीक तरह से हैंडल करता है, हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आप किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हो तो वो प्लेयर भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से लीडरशिप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लीडरशिप तो उसकी शुरू से जो थी वही आज भी है। इसमें अपने इमोशंस को वो फील्ड पर एक्सप्रेस करते हैं, उनके जो बहुत कम दुनिया में खिलाड़ी हैं जो इस तरह से फील्ड पर जीतने के बाद जो है उनके आंखों से आंसू निकलते, और रोहित शर्मा को हमने थ्रू आउट द जर्नी देखा है, वो उनका इमोशनल एस्पेक्ट बताइए। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि इमोशन तो होते हैं, क्योंकि उसको पता था कि 2011 के वर्ल्ड कप में वो नहीं था, उसके उसके लिए बहुत शॉकिंग था वो चीज़, और उसके 2011 के वर्ल्ड कप दूसरे के हाथ में था, तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थे, तो लेकिन इमोशंस तो नेचुरल होगी, क्योंकि कल उसने जो वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया तो डेफिनेटली उसको तो अच्छा ही लगा रहेगा, वो इमोशंस थे उसके। अब वो दोबारा हम उन्हें भारत को रिप्रेजेंट करते हुए T20 क्रिकेट में नहीं देख पाएंगे, उस बारे में बताइए, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट। अच्छा डिसीजन, रिटायरमेंट उसने जो किया अच्छा डिसीजन मुझे लगा, क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत फास्ट क्रिकेट है, तो आने वाले यंगस्टर्स को चांस देना भी जरूरी है, उसको अभी फोकस करना है टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि हमारे पास अभी टेस्ट चैंपियनशिप आना बाकी है, तो मैं ये चाहूँगा कि अगला उसका ये होगा टेस्ट चैंपियनशिप, तभी मैं और खुश हो जाऊँगा इस मुझे। देखिए, 2007 में जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आए तो कुछ ही दिन बाद आपके घर पर पहुंचते और कहते हैं कि मुझे नॉनवेज खाना, क्योंकि उनके घर पर नॉनवेज ही नहीं बनता था, वो प्रसंग क्या था और उसके बाद कितने अंडे खाए वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। उसके घर पे नॉनवेज खाना नहीं होता था, तो मेरे घर पे आता था नॉनवेज खाने के लिए, और उसको एक बहुत लाइक करता था, तो जब वर्ल्ड कप खेल के आया तो मुझे इमीडिएटली बोला, सर आज खाना है मुझे, अंडा खाना है, मतलब ठीक है, तो ऑलमोस्ट चार बच्चे ने मिलके 65 अंडे खाए थे उसके। तो
फिर एक बार वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, अब भी उनके घर पे हमें पता नहीं नॉनवेज बनता नहीं बनता, लेकिन वो फिर आपके पास आएंगे, तो कितने अंडे आपने अपने घर में लाकर तैयार रखे? मैं 100 अंडे लाके रखूंगा, देखते हैं अभी कितने अंडे खाएगा, वो सोचूंगा फिर। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश लाड, जिनका कहना है कि उन्होंने तैयारी कर ली और रोहित ने जो मेहनत की है उसी मेहनत का नतीजा है कि आज भारत इस वर्ल्ड कप को जीत पाया। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।